हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिक टू लर्न द एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। सबसे पहले एफ ब्लॉक की एलिमेंट्स को याद करने का मिमोनिक्स में बताऊंगा। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे माइंड में फिट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और कुछ बेसिक्स पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, बट जो चीज़ बताऊंगा वो पूरा सब बेहतरीन ट्रिक है, यू विल ट्रस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बोलते हैं, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2F1-14 एंड N-1 डी 0 से 1। ये चीज़ याद रखो कि ये 0 से 1 तक फिल होता है, ठीक है। 0 से 1 मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने के लिए हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये बात फिक्स है, बट ये एक फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसे चेंज करेंगे, इसे चेंज करेंगे, ये चीज़ कॉमन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ देखना तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन रहेगा, लेकिन ये चीज़ के लिए कुछ एक्सेप्शन आते हैं जो कि तुम्हें याद रखने होंगे। मैं उसका ट्रिक भी बताऊँगा कैसे याद रखना है, ठीक है। चलो, तो फोर्थ पीरियड को बोलते हैं स्कैंडियम, और फिफ्थ पीरियड जो स्टार्ट होता है इट्रियम से, ठीक है। और सिक्स पीरियड जो सेवन्थ पीरियड होता है वो LA और AC लिखा होता है पीरियड टेबल में, ठीक है। उसके बाद जो 14 लैंथेनाइड्स होते हैं, उसके बाद 14 एक्टिनॉइड्स, मतलब एक्टिनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 58 टू 71 एंड 92 किससे स्टार्ट होता है, एक्टिनॉइड सीरीज 90 से 103। ये बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। तो एफ ब्लॉक में क्या होता है, एफ ब्लॉक में होता है कि जो इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है, इनर एफ ऑर्बिटल में, मीन्स इनर एफ फर्स्ट ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसीलिए एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, एंड एलिमेंट्स ऑफ द एफ ब्लॉक इज सॉफ्ट होता है, इसका ऑक्सीडेशन जल्दी से हो जाता है, ठीक है, एयर में। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक का बात करते हैं। ट्रिक के लिए याद रखो कि सी सीने पर लिख लेना, ठीक है, हिंदी में नदिया प्रेम की समाई, ठीक है। उसके बाद लिखो यू गदगद तब तिल हो और तुम अब टूटोगे, ठीक है। ये चीज इसका ट्रिक है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यू गदगद तब दिल हो और तुम अब लुटोगे। ये चीज बात समझ में आई। चलो, एक्टिनॉइड सीरीज के लिए क्या याद रखना है, फोरे पापर यू नापो पुराने आम कम दिखे, ठीक है। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम तो लड़ाई, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें क्या याद रखना है, देखो अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने। तो तुम्हें क्या करना है, जो लैंथेनाइड सीरीज है उसका जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 6s कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉक्स लगा देता हूँ मैं, ठीक है, 6s यहाँ पे बॉक्स लगा देता हूँ, क्या फील हो, ठीक है। 5d यहाँ पे भी बॉक्स लगा देता हूँ, कुछ फील होगा, एंड 4f यहाँ पे क्या फील होगा, ये चीज तुम्हें याद रखना, ठीक है, ये चीज इसका सीक्वेंस रहेगा। और एक्टिनॉइड सीरीज के लिए एक एक बढ़ा दो इसमें, जैसे कि 7s यहाँ पे भी बॉक्स लिखता हूँ, ठीक है, और 6d यहाँ पे भी एक बॉक्स लगा देता हूँ। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि स्लो है, ठीक है, पर तुम्हें एक बार इसका प्रैक्टिस हो जाए ना तो पास हो जाओगे। और इससे एक और इससे जितना भी जो मतलब एक्सेप्शंस वाले होते हैं सारा तुम्हें याद होने वाला है, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ, तो मैं क्या करूँगा कि ये चीज़ हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे, यहाँ पे 2 हर किसी में 2 होगा, ठीक है, हर किसी में 2 होगा, बट मुझे करना क्या है, हमें स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है, और इसमें हमको स्टार्ट करना है। अब इसमें क्या होगा, सो देखो,
इसमें मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ टू होगा या तो वन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डी 0 से 1 है, लेकिन एक ही ऐसा है जिसमें वन है, इसमें टू है, ठीक है, एक ही ऐसा है जिसमें टू है। तो हमें ये चीज़ याद रखो कि एक ही ऐसा है, जैसे 7s2 6d2 है एंड 5f0 है, इसलिए है ना, क्योंकि देखो ये चीज बात समझ में आई पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 0 से 1 तक, यहाँ पे क्या करना है 0 से 1 तक ही फिट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, F1 से 14 तक फिट करना है, ठीक है, F1 से 14 तक फिट, और यहाँ पे 0 से 1 तक फिट। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका एफ ब्लॉक का, ठीक है, एफ ब्लॉक का। तो मुझे क्या करना है, मुझे याद ये रखना है कि हमें इस दौरान ये इधर से इधर जाते समय हमें D5D को और 6D को एडजस्ट करना है, और 1 से 14 तक हमें भरते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5F0 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5F2 हो जाएगा, हमको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि यहाँ पे 6D1 आ जाए, ठीक है। अब मैं 5F1 क्यों नहीं लिखा, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे 5F, आपने बोला कि हाँ चलो 5F1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, पर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, पर क्यों, यही चीज हम समझने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पे F1 F5 एंड F8 नहीं आना चाहिए जब इस सीक्वेंस को भरते हैं तो, ठीक है। और रिपीट कर दो, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको रिपीट कर दो F7 से एंड ठीक है, क्या करना है, इसको रिपीट करना है, बस ये नहीं होना चाहिए और इसको रिपीट करना है, ठीक है। सेम तरह से लेंथेनॉइड सीरीज में क्या होगा कि यहाँ पे F0 F2 एंड F8, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ये चीज नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या आना चाहिए, रिपीट क्या होना चाहिए, रिपीट यहाँ पे होना चाहिए F7 एंड F14 रिपीट होना चाहिए, जैसे यहाँ रिपीट हो रहा था वैसे यहाँ पे। बट एक चीज है कि यहाँ पे F1 भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे F0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे F5 होना चाहिए, यहाँ पे F2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रख लोगे तो तुम्हारा सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि 6s2 पहले से रहेगा, 7s2 पहले से रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं डी पे, तो डी 0 से 1 तक फ्लेक्सिबल हमें करना है, तब हम लोग कब फ्लेक्सिबल करना है, और मुझे 4F से भरते हुए जाना है, ठीक है, कैसे भरते हुए जाना, चलो देखो कौन सा कलर लो, देखो 6s2, तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला F0 F0 F2 F8 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमें 0 नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिए और यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। और 6s2 देखो 6s2 सब में रहेगा, इसमें भी 7s2 7s2 सेम रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे 6d2 से स्टार्ट होगा, ये चीज रट लो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं होगा। और यहाँ पे 5f0 आ रहा है, ठीक है। क्या करना है, अब जब तुम्हें पहला वाला आ गया ना, तो आगे वाला भी ऐसे तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते जाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे भरेंगे ताकि मुझे ये रिपीट करना पड़े और ये ना आए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तुम्हें पता है कि ये एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 6s2 5d4f इस तरह का सिचुएशन स्केलेटन तुम्हें तैयार करके दिया हुआ है। बट अगर तुम्हें याद रहे कि हाँ कि F0 नहीं होता, F2 नहीं होता एंड F8 नहीं होता, तो तुम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, तो तुम ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, इसी तरह से इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो और तुम करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो, एक ये भी तरीका है। लेकिन तुम्हें अगर लिखने के लिए बोला जाए तो उसके लिए तरीका सुनो, 6s2 कॉमन है, मैं इस पे बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा इस दोनों का चेंज के बारे में। जैसे कि आगे चलते हैं तो F2 आना चाहिए, बट हमें F2 नहीं लाना है, तो हमें क्या लिखना है, F3। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे 1 तो आना चाहिए, लेकिन इसको अब 1 कम कर दो, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है, अब यहाँ पे 1 आना चाहिए फिर से, ठीक है, क्योंकि डी 0 से 1 तक ही फ्लेक्सिबल हो सकता है, 2 फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है बात, क्योंकि डी 0 से 1 तक फ्लेक्सिबल है, तो या तो 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, या तो इसको 1 कर दो या 0 कर दो, इसको 0 कर दे, 1 कम कर दे, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, अब 1 बढ़ेगा, हमेशा 1 बढ़ाते जाना, +1 +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो
अब एक और बढ़ाना है, तो एक इसमें बढ़ाओगे जीरो, ये तो चलो स्टेबल है ठीक है, टी जीरो भाई फुलफिल अनस्टेबल होता है, हाफ फिल अनस्टेबल ठीक है, और ये पूराई खाली है तो अनस्टेबल है ठीक है। F4 मैं इसको एक बढ़ा देता हूँ क्योंकि F4 आ सकता है ठीक है, इसमें ये नहीं दिया। फिर F5 दे सकते हैं, F6 दे सकते हैं, 4F7 दे सकते हैं ठीक है। अब क्या करना है हमें, 4F7, 4F8 नहीं आ सकता ना, 4F8 यहाँ आना चाहिए हमें, एक बना के 4F8 करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, 4F8 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा 4F8, F8 नहीं आना चाहिए। क्या करना है, अब ये जीरो है इसको फ्लेक्सिबल करके 1 कर दो ठीक है, इसी तरह से 4F8 नहीं हो सकता, अब इसको जीरो फिर बना दो, 4F9, 4F10, 4F11, 4F12, 4F13, 4F14, अब देखो सेम तरह से 4F14 है, यहाँ पे 1 कर दो, 4F14 को रिपीट कर दो, क्योंकि एक बढ़ाना है, या तो पहले तो F में बढ़ाओ फिर उसके बाद D को फ्लेक्सिबल ठीक है, आई बात समझ में, पहले तो 4F बढ़ाओ फिर उसके बाद D को फ्लेक्सिबल कर दो, आ रही बात समझ में, ये सिंपल सा ट्रिक है ठीक है, ये याद करने से बेहतर है तुम ये चीज याद रखो ठीक है। एक्टिनाइड सीरीज में सेम तरह से F1, F5 एंड F8 नहीं आना चाहिए, और रिपीट F7 को कर, तुम्हें ये याद रखो ठीक है। 6D1, 5F2 से स्टार्ट हो रहा है, अब मैं क्या करूंगा, 5F3, 5F4, 5F7, 5F6, तो देखो 5F6 में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 5F5 जो है ये नहीं आना चाहिए था, 5F4 तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 5F5 यहाँ पे आना चाहिए, ये नहीं आएगा ठीक है, ये नहीं आएगा तो हम क्या कर देंगे, F5F6 पर कर देंगे और इसको एक कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 2 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे डायरेक्टली 2 बढ़ रहा है, तो एक कम यहाँ कर देंगे, तो फाइनली क्या होता है, एक बढ़ता है ठीक है। आगे चलते हैं 5F7, 5F7, 5F7 को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 5F7 को रिपीट कर सकते हैं, यहाँ भी रिपीट कर, क्योंकि 5F8 नहीं आना चाहिए, F8 नहीं आना, इसलिए हम 5F7 को रिपीट कर सकते हैं ठीक है। तुम एक चीज गौर कर रहे हो, जो चीज रिपीट हो रहा है उसके बाद वाला देखो नहीं आना, जो चीज रिपीट हो रहा है उसके बाद वाला नहीं आना, नहीं आना, ये चीज याद रखो ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते। तो 5F9, 5F10, 5F11, 5F12, 5F13, 5F14 यहाँ पे रिपीट हो सकता है, और यहाँ पे D0 भी हो सकता है ठीक है, तो यहाँ पे D1 होना चाहिए था ठीक है, यहाँ पे 5F14 D1 होगा ठीक है, ये चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था, और आई थिंक तुम्हें बहुत अच्छा ट्रिक मिला होगा ठीक है। क्या याद रखो कि से गुड लक में D1 है, या तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि D1 किसमें किसमें है, किसमें किसमें, देखो से गुड एंड लक, तो ये एक तरीका था, ये एक मिमोनिक्स है, से गुड लक में D1 है और बाकी सब में D0 है, ये भी एक तरीका है, तुम डायरेक्ट आंसर लगा सकते, आई बात समझ में। तो तीन चार फंडामेंटल तरीका है जो कि तुम्हें याद रखना है, और ये सारा चीज लेंथ एंड वाइड सीरीज का खत्म होता है ठीक है। छोटा सा बात और है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड एक्टिनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, एक मैं लगा दिया हूँ, मेरे पास था तो लिखा हुआ ठीक है, तो ये चीज अपना ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है। चलो तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।